वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, अभी मैं बनाऊंगी चिली मशरूम। एक बार मैंने मशरूम फ्राई करके आपको दिखाया था कोई एक ब्लॉग में। यह मशरूम 60 रुपीस लिया है बाजार से, मॉल से लेता शायद 40 रुपीस लेता है। हम मॉल से बहुत बार ख़रीदा, मुझे याद नहीं है, 40 रुपीस ही लेता है ये। हम इसको गर्म पानी में इसको धोएंगे। हम और एक दो बार दिखाया क्योंकि मशरूम बहुत पसंद है श्रेयांक को, इसीलिए उनके लिए लेके आना पड़ता है। उसको पनीर पसंद है बहुत, मशरूम पसंद है, ये सब चीज़ उसको बहुत पसंद है। चिकन मटन उतना पसंद नहीं है, जितना पसंद उनको पनीर पसंद है। इसको मैंने गर्म पानी से धो लिया, फिर और एक बार धो लेंगे और एक बार यहाँ से अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे। इसमें नमक दे दिया। एक्चुअली मशरूम चिली या फिर पकौड़ा कुछ भी हो, मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा जैसे अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट ये सब नहीं देती हूँ, अलग इसका स्मेल होता है। मशरूम ऐसे ही अच्छा लगता है, तो इसी में मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा इसमें चिली पाउडर या फिर ग्रीन चिली भी आप पेस्ट करके ऐसे चॉप करके दे सकते हैं। इसमें कॉर्नफ्लावर दे दिया, थोड़ा सा नमक हल्दी और मिर्च पाउडर थोड़ा सा दे देंगे। तो इसी में मैंने सब एक साथ मिक्स्ड करके रख देंगे आधा, हाँ हाफ एन आवर रख देंगे। थोड़ा सा सोया सॉस दे दिया, आप थोड़ा सा नींबू का रस भी दे सकते हैं। तो इसको एकदम मिक्स करके आधे घंटे तक हम रख देंगे। उसके बाद हम ऑयल पे इसको पकौड़ा जैसे हम बनाएंगे। उसके बाद हम जो कैप्सिकम और प्याज के साथ चिली सॉस सब कुछ देके इसको मशरूम चिली बनाएंगे। चलिए आपको दिखाएंगे मशरूम चिली, एकदम सिंपल प्रोसेस है। इसमें थोड़ा सा पानी दे दिया, एकदम थोड़ा सा 1 स्पून, क्योंकि नहीं जो कॉर्नफ्लावर है वो चिपक जा रहा था इसीलिए। चलिए दिखाएंगे कुछ देर बाद, ये रख देती हूँ अभी आधे घंटे। आटे में हम लोग नमक देते हैं, नमक छोड़ के आटा नहीं खाते हैं। किस किस को नमक दे के आटा खाना पसंद है जरूर आप कमेंट्स करके बोलिएगा, क्योंकि हमको एकदम बिना नमक के आटा रोटी नहीं खाते हैं। बिना नमक के थोड़ा सा नमक, इसका मतलब क्या बहुत ज़्यादा, एकदम एक चिमटी नमक इसमें दे के आटा को हम शाम को जब खाना बनाते हैं, शाम को नहीं खाना, शाम को हम सब कुछ ऐसे करके रख देते हैं। सब क्या करेंगे, खाना क्या बनाना है, सब कुछ ऐसे आटा को सान के फिर दोबारा वो जैसे मशरूम आज करेंगे तो ऐसे करके हम रख देंगे, फिर दोबारा 9 बजे से खाना बनाएंगे। तो और बेटा को उसके मिडिल में पड़ा लेंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों को दिखाएंगे खाना, जो मशरूम है कैसे हम बनाएंगे। माँ आज मशरूम बना रहे हो ना? हाँ बना तो रही हूँ, तुम्हारे पास से ही तो काटा मशरूम। हाँ और ये देखो आटा बना रही हूँ रोटी। यस। कच्चा खाओगे? कच्चा नहीं। बेटा को दूध और बिस्किट दे दिया, शाम को वो ज्यादातर दूध बिस्किट ही अभी तो खाता है। खा लो जल्दी, हम अभी जा रहा है। इसका किताब देखिए, इधर उधर पूरा एकदम पड़ा है, इधर पड़ा है। देखिए बोले थे ना, इसको जब ऐसे करके इसको कुछ देर तक रखेंगे तो देखिए इसका जो पानी है वो अलग से ये हो गया। पानी मैंने नहीं दिया था, एकदम एक हाफ स्पून दिया था शायद पानी,
अभी इसको मैं कढ़ाई पे फ्राई करूँगी। कढ़ाई पे हम रिफाइन ऑयल दे दिया, रिफाइन ऑयल से ही हम मशरूम को फ्राई करेंगे। छोटा छोटा करके हम मशरूम को पकौड़ा टाइप से फ्राई करेंगे। इसमें ऑयल इसमें ना पानी रहता है, तो जब आप ऑयल पे दीजिएगा तब पानी छिटक के आपका गाँव में लग सकता है, थोड़ा सा दूर से आप दीजिएगा। इसको हम सब पकौड़ा टाइप से बना लेंगे। और प्याज और लहसुन थोड़ा सा हम रखे और थोड़ा सा कैप्सिकम रखे इसके साथ हम देंगे। चलिए वो किस मसाला जाएगा इसी में वो शेयर करेंगे। मशरूम जो फ्राई किया था ऑयल बचा था उसी ऑयल पे थोड़ा सा जीरा दे दिया, लहसुन दे दिया, इसके बाद प्याज और कैप्सिकम जो मैंने कट के रखे थे वो दे देंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये मशरूम पकौड़ा अभी जो बना है वो भी दे देंगे बाद में। इसको एक मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा गल जाएगा। ये जो मशरूम जो पकौड़ा के लिए जो थोड़ा सा बचा था मशरूम पकौड़ा का जो पानी, उसी में कॉर्नफ्लावर था वो नहीं फेंकेंगे, वो भी दे देंगे इसी में। इसके साथ मैंने ये तीनों सॉस थोड़ा थोड़ा करके दिया, टमाटो सॉस, ये टमाटो सॉस दिया, सॉस सॉस दिया इसमें, और इसमें चिली सॉस दिया थोड़ा सा। ये सब सॉस दिया, सॉस दिया, और ये पानी, ये पानी मैं दे देंगे। और थोड़ा सा नमक दे देते हैं। अभी रोटी बनाएंगे। इसको ये हो गया है, रात का डिनर कर रही हूँ, बेटा को पहले खिलाएंगे। दिखाती हूँ जो मैंने आपको दिखाया बनाया। रुकिए, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।